Hello students, in this video we are going to discuss some operation on matrices. Basically these are also known as elementary row operations. जैसे suppose this is a matrix whose order is 3x3, तो इसमें जो first row है जिसको हम R1 से denote करेंगे, this is R2, this is R3. Similarly जो columns हैं C1, C2 हैं, C3 हैं. ऑपरेशन हम रो के ऊपर भी लगा सकते हैं और कॉलम के ऊपर भी लगा सकते हैं. दीज आर नोन एज एलिमेंट्री रो ऑपरेशन एंड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन. तो यहाँ पे हम रो ऑपरेशन डिस्कस करेंगे, इन सेम वे आप कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकते हो. तो रो ऑपरेशन बेसिकली तीन ऑपरेशन हैं. फर्स्ट ऑपरेशन इज सपोज हमारे पास जैसे ये मैट्रिक्स है, तो इसमें किसी भी रो में अगर कोई एलिमेंट कॉमन है तो हम उस एलिमेंट से डिवाइड कर सकते हैं. सिमिलरली हम किसी भी रो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. मींस ऑपरेशन क्या है, वी कैन डिवाइड और मल्टीप्लाई एनी रो बाय अ नॉन जीरो नंबर. जीरो के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते, किसी भी नंबर जीरो के अलावा किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं. जैसे अगर आप फर्स्ट रो देखो तो इसमें 6 कॉमन है सब में, 12 भी 6 से डिवाइड हो सकता है, 12 ये भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है. सिमिलरली सेकंड रो है जो उसमें 8 कॉमन है, थर्ड रो में 3 कॉमन है, तो मैं तीन ऑपरेशन अप्लाई कर सकता हूं अलग अलग. इसको लिखेंगे ऐसे R1, इसको बोलते हैं चेंजेस टू या टेंड्स टू. R1 चेंजेस टू R1 डिवाइडेड बाय 6. सिमिलरली R2 चेंजेस टू R2 डिवाइडेड बाय 8. R3 चेंजेस टू R3 डिवाइडेड बाय 3. सो ये ऑपरेशन लगाने के बाद जो मेरी मैट्रिक्स बनेगी ए, अब मैं इसको लिखूंगा इक्वलेंट टू. नाउ अब जो मैट्रिक्स मेरी नहीं आएगी दैट इज नॉट इक्वल टू ए, वो ए के इक्वल नहीं है बट वो ए के इक्वलेंट है. तो फर्स्ट रो को मैं डिवाइड करने जा रहा हूं 6 से, 6 2s are 6 2s are 6 3s are. सेकेंड रो को मैं डिवाइड कर रहा हूं 8 से, 8 1s are 8 8 1s are 8 8 2s are 16. 3 1s are 3, इसको 3 से डिवाइड कर रहा हूं, 3 4s are 12, 3 5s are 15. सो ये पहला ऑपरेशन है कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं. नाउ सेकेंड ऑपरेशन इज जो हम लगा सकते हैं, हम किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं. जैसे अगर मैंने फर्स्ट नंबर पे 1 लेके आना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे, तो मैं फर्स्ट रो को सेकेंड रो से या थर्ड रो से एक्सचेंज कर सकता हूं. ये जो ऑपरेशन है ये डिटरमिनेंट से डिफरेंट है, इसमें साइन चेंज नहीं होगा. सपोज जैसे ये मेरी R1 है, मैं R1 को R2 के साथ एक्सचेंज कर रहा हूं, तो आई हैव टू राइट लाइक दिस. ये मेरा सिंबल है R1, दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज. ये दोनों तरफ एरो है, इसमें एक तरफ एरो था, ये दिस इज कॉल्ड R1 चेंजेस टू, दिस इज एक्सचेंज. R1 और R2 दोनों अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर रहे हैं. R1 2 2 3 सेकंड नंबर पे आ जाएगा R2 की जगह, और R2 R1 पे आ जाएगा, 1 1 2, एंड R3 जो है अपनी जगह पे ही रहेगा. सो दिस इज रो एक्सचेंज ऑपरेशन. इन सेम वे आप कॉलम को कॉलम के साथ भी एक्सचेंज कर सकते हैं. तीसरा और जो लास्ट ऑपरेशन है वो हम एक रो में से किसी और रो को या उसके मल्टीपल को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. मैं आपको ये ऑपरेशन करके दिखाऊंगा. जैसे ये हम ऑपरेशन कब लगाते हैं, सपोज मैंने इस एलिमेंट को जीरो करना है, इसको भी जीरो करना है, तो यहां पे क्योंकि 1 है, अगर मैं फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये जीरो हो जाएगा. सिमिलरली पहले आप ये समझिए, R3 जैसे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो मैं R3 में से R1 माइनस कर सकता हूँ. अगर मैं R3 में से R1 आपको माइनस करके दिखाऊं तो लिखेंगे इसको ऐसे, R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1. तो मेरी फर्स्ट रो सेम रहेगी, मैं पहले R3 लिख रहा हूँ, R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 1 3, 5 माइनस 2 अगेन 3. तो ये तो मैंने डायरेक्ट सिंपल सब्ट्रैक्शन की है, ऐसे मैं ऐड भी कर सकता हूं. मींस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बिटवीन टू रोज और टू कॉलम्स इज अलाउड. हम एक रो में से दूसरी रो माइनस कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, एक कॉलम में से दूसरा कॉलम प्लस या माइनस दोनों कर सकते हैं.
इसी तरह मैं एक रो में से दूसरी रो का मल्टीपल भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकता हूं। जैसे अगर सपोज मैंने इसको जीरो बनाना है तो यहां पे वन है, तो मैं इसको टू से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर सकता हूं। तो मैं उसको लिखूंगा ऐसे, आर टू चेंजेस टू आर टू माइनस टू टाइम्स आर वन, टू माइनस टू। इसको मल्टीप्लाई करना नहीं है, लेकिन माइनस करने के लिए ओनली मल्टीप्लाई करना, ये ऐसा ही रहेगी यहां पे वन वन टू। तो टू माइनस टू जीरो, देन अगेन टू माइनस ये टू बन जाएगा जीरो, दिस इज थ्री माइनस ये टू इंटू टू फोर बन जाएगा, थ्री माइनस फोर बिकम्स माइनस वन। सो इन दिस वे वी कैन अप्लाई रो सब्ट्रैक्शन और कॉलम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस। सो दीज थ्री ऑपरेशंस आर वेरी हेल्पफुल इन मैट्रिसेस। अगेन मैं आपको बता रहा हूं, फर्स्ट ऑपरेशन किसी भी रो या किसी भी कॉलम को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। कोई भी दो रो या दो कॉलम्स को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, एंड एक रो में से हम दूसरी रो का मल्टीपल एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। दीज रो ऑपरेशंस आर बेसिकली यूज्ड टू फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। जब आप रैंक करोगे तो आप वहां पे यूज होंगी। सेकंड, जब हम न्यूमेरिकल मेथड में कई क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं, लाइक इफ वी हैव टू सॉल्व थ्री इक्वेशंस बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड और गॉस जॉर्डन मेथड, तो वहां पे भी ये ऑपरेशंस जो है अप्लाई करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप ये ऑपरेशंस को लगाना सीखिए। आफ्टर दिस इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस गॉस एलिमिनेशन मेथड एंड गॉस जॉर्डन मेथड। थैंक यू वेरी मच।